Membri del Borghe, Don Ambrosio Romai Calà, Don Daniele Ricca, संत चरावा हो
آدم بڑا ہند ہندوستان
आपका सबसे बड़ा मुफ्ती है, कोई मत है, कोई कार्य इसके पीछे, कुछ तो खुसूसियत होगी मेरे दोस्तों। इसकी वादे पाकिस्तान का वो तारीखी वाकया है कि जब पाकिस्तान में हिलाल कुरैशी की तरफ से तश्कील अमल में आई, वो दौर जनरल अयूब खान का दौर था। उसके जमाने में इंग्लैंड के हसीन मौकों पर पाकिस्तान की हिलाल कमेटी की तरफ से एक हवाई जहाज को आया जाता था और उसके जरिए चांद भेजकर ऐलान करा दिया जाता था। चुनांचे एक बार ईद उल फित्र के मौका पर 29 रमजान मुबारक को हिलाल कमेटी की जानिब से हवाई जहाज को आया गया। मशीनी पाकिस्तान से मौलवी पाकिस्तान को जाते हुए तो हजरात को चांद नजर आया, उन्होंने इसकी इतला सदर पाकिस्तान को दी। सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने उबे का ऐलान कर दिया, मगर पाकिस्तानी उलमाए अहले सुन्नत ने उनके इस ऐलान का रद्द कर दिया। उसके बाद उन्होंने दुनिया के तमाम दिगर ममालिक इस्लामिया मुल्क शाम उर्दन अरब मिस्र वगैरह को मुख्तलिफ इस्तफे अफजा किया और एक इस्तफा हिंदुस्तान के अधीन शाह बरेली ने सरदार आला हजरत हुजूर मुफ्ती आलम हिंद की बारगाह में इस्तफा किया। तो दिगर ममालिक इस्लामिया से आने वाले जवाब तकरीबन सभी हुकूमतें पाकिस्तान ही की ताए, मगर इल्म फजल के ताजदार उस वह सिद्दीकी फालती के शहर इमाम आजम की यात्रा आला हजरत के कशक की बहार हुजूर मुफ्ती आजम वालों ने उसे नहीं माना और अपना एक बेनजीर फतवा तहरीर फरमाया जिसका अपने मजमून इस तरह पर आपने सुने। क्या लिखा आपने हुजूर मुफ्ती आजम ने कि चांद देखकर रोजा रखने और ईद करने का शरीर हुक्म है और जहां चांद नजर न आए वहां शरीर शहादत पर काजी शाह हुक्म देगा। चांद को सफेद जमीन या ऐसी जगह से जो जमीन से मिली हुई हो वहां से देखना चाहिए। रहा जहाज से चांद देखना यह गलत है क्योंकि चांद धूप होता है, फना नहीं होता, इसलिए कहीं 29 और कहीं 30 को नजर आता है। और अगर जहाज से चांद देखना शक हो तो 27-28 तारीख में भी बलंदी पर प्रवास करने के बाद चांद नजर आ सकता है। तो क्या 27-28 तारीख को भी चांद का हुक्म दिया जाए, अन्ना कोई आपकी नहीं अकलमंद इसका एतबार करेगा। ऐसी हालत में जहाज से 29 का चांद देखना कब मुअत्तबर होगा। सुभानअल्लाह, रात हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इस फतवे को पाकिस्तान के इश्तिहारों अखबारों में कल सुर्खियों में शायद किया गया। इश्तिहार के चश्मा और अखबार के प्रेस से बाहर आती ही पाकिस्तानी दुनिया में हलचल मच गई, पाकिस्तानी उलमा के सवालों पर ताले लगे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के उस फतवे का बड़ा गहरा असर पड़ा जिसके नूरी फतवे ने नुमाया किरदार अदा किया, जिनके असर अंगेज फतवे ने रूहानी इंकलाब बरपा किया। यहां तक के अगले महीने में 27-28 तारीखों में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हवाई जहाज को लाया गया इसकी तस्दीक के लिए, तो बलंदी पर प्रवास करने के बाद उन हजरात को चांद नजर आया। तब हुकूमत पाकिस्तान ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इस फतवे को तस्लीम करके हुए के हिलाल कमेटी तोड़ दी। उसके बाद दुनिया के तमाम मुफ्तियाए किराम ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाहे इल्म फज्ल में सरे अकीदत खम कर दी। सुभानअल्लाह, आज भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के उस फतवे को अगर उस फतवे का ख्याल जहन व फिक्र में आता है तो दोस्तों ऐसा महसूस होता है कि गोया आज ही की बात है।
यही सबब है कि अल्लाह के महबूब और बरगुजीदा बंदे और उसके सच्चे वली जब इस आलम फानी को खैराबाद कहते आलमानी की तरफ रुजू करते हैं तो इससे पहले पहले अपने पीछे इश्क मोहब्बत तरीकत और मार्फत हक और सदाकत की हजारों दास्तानें छोड़ जाते हैं कि इतनी तौफीक दे जा रहा है जुदा होने पर इतनी तौफीक दे जा रहा है जुदा होने पर लोग इतना तो कहें नक्शे वफा छोड़ रहे हैं लोग इतना तो कहें नक्शे वफा छोड़ रहे हैं कुल मिलाकर जरूर मुफ्ती आप नहीं हुई किरदार अमल की ऐसी सतह की जिन्हें रोशन की है कि रहती दुनिया तक शायद पाल कायल हो गोलाबाने मुफ्ती आजम आपकी याद को कभी न भुला सकेंगे और राह हक पर चलने के लिए आपके नक्श वफा को सहारा बनाएंगे चूंकि आप आलिम रब्बानी थे आप अल्लाह के सच्चे वली थे जिनकी अजमत शान के सामने बड़े बड़ों ने सर झुका दिए और अकीदत और मोहब्बत के फूल निशाबा किए और आपने शरीयत खुदावंदी और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारा और मसाइब और आलाम की आंधियों ने हजारों राहें तय फरमाई सिर्फ और सिर्फ रजाए मौला की और उसकी आरजू की खातिर कि हर दफा हर सितम गवारा है इतना कह दे तू हमारा है सुभान अल्लाह मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा टाइम का बिल्कुल तो 3 मिनट है एक खास बात हुजूर मुफ्ती आजम हिंद एक आशिक रसूल एक दीवाने खुदा अगर इससे पहले कभी आप हजरात ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की किताब किताबे हयात का मुताला किया होगा तो शायद आपको याद होगा जबलपुर का एक तारीखी बात है कि आप अपने मुरीदों के बेहद असरात पर जबलपुर के इलाके में तशरीफ ले आए रास्ता बड़ा ही खतर और कुपेच है जगह जगह सवारी रुकती और तल पड़ती घोड़ा इंतहाई परेशान तांगे में बैठने वाले हजरात और भी ज्यादा परेशान लेकिन आप ऐसे ज़ोरफ़ो नकाहत के बावजूद भी तांगे में और लोगों के साथ जलवा अफरोज है लोगों को अपनी तकलीफ के साथ साथ आपका ज्यादा ख्याल आ रहा है जगह जगह ताके में झटके महसूस हो रहे हैं लोग उछल उछल जाते हैं तांगा अपनी रफ्तार पर आगे बढ़ता जा रहा है चलते चलते गांव से गुजरता है कि सड़क पर एक बच्चा खेलता कूदता अचानक तांगे के नीचे आ जाता है तांगे का पहिया उस बच्चे के सीने और पेट के दरमियान से उतर जाता है अब क्या था लोगों में गम व गुस्सा की एक लहर दौड़ जाती है पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया हर तरफ एक भूत का आलम है हर इंसान अपनी अपनी जगह पर परेशान हर तरफ बेचैनी की बेचैनी नजर आ रही है हर दिल उदास भी उदास दिखाई दे रहा है बाप धाड़े मार मार कर रो रहा है माँ बच्चे की हालत देखकर पिछाड़े खा रही है किसी को सुकून और चैन नहीं मगर हो ही क्या सकता था कि उसी मजमा में अल्लाह का एक कामिल वली रसूल अरबी का एक सहीदा सच्चा आशिक सैयद गौसुल बरा का सहीदा नशीन आला हजरत की चमकती हुई तलवार मौजूद है जिनके चेहरे अनवर पर अज़्म और इस्तेकरार के चट्टान है इल्म-ओ-गुदाई का एक दरिया है जो इंतहाई सुकून और इत्मीनान के साथ मौजे मार रहा है उस वक्त देखने से ताल्लुक रखता था आपके लब गुलकशा हुए आपने खादिम से कहा उस बच्चे को उठा कर ले आओ पर किसी की हिम्मत ना हुई क्योंकि बज़ाहिर उस बच्चे के जिस्म में जान नहीं मगर सुनो दुनिया जाहिर पर नजर रखती है मगर अल्लाह के खास बंदे जाहिर और बातिन दोनों पर बराबर नजर रखते हैं वो हकीकत से आशना होते हैं वो जानते हैं कि ये कदाए हकीकी नहीं ये कदाए मुअल्लक है बगौर हजरत आली कोनी के लौहे महफूज अस पेशे औलिया क्या मतलब हजरत आली कोनी फरमाते हैं लौहे महफूज जो है वो औलिया के सामने है बाकी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दोबारा इरशाद फरमाने पर एक खादिम आगे बढ़ा और उसने बच्चे को हजरत के हुक्म की तामील करते हुए खिदमत में हाजिर कर दिया उस बच्चे को लेकर जो बज़ाहिर दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा था
जिंदगी की आखिरी सिस्टियां दे रहा था, जो अपनी उम्र के सांस पूरे करके दुनिया को खैराबाद कहना चाहता था, वो बच्चा हुजूर मुफ्ती आदमी जिनके हाथों में है। लोगों के चेहरों की हवाइयां उड़ रही थी, ऐसे तुपेज माहौल में, ऐसे गमजदा वक्त में एक साथ फकत हुजूर मुफ्ती आदमी हिंद की थी, जिनके चेहरे पर मुल्कुदी हुस्न नजर आ रहा था, जिनकी जबान पर खामोश मुस्कुराहट फैल रही थी। आपने उस बच्चे के सीने और पेट के दरमियान अपना दस्त शिफा यानी अपना नूरानी हाथ फेरा, फिर क्या था, वो बच्चा मुस्कुरा पड़ा। सुहानता जैसे उसके चेहरे पर तमानियत और उनके आंखों में जिंदगी की मुस्कुराहट रक्स करने लगी, जैसे उसके जख्मों को मरहम मिल गया हो, जैसे निकली हुई रूह दोबारा वापस आ गई हो, जैसे मुरझाई हुई दर्द पर हरियाली दौड़ गई हो। अल्लाह जो है अभी जिंदगी की आखिरी नमाज यानी सारी तलखियां सुकून की मिठास में बदल गई। वो बच्चा जो अभी अभी जिंदगी की आखिरी सांस को तय कर रहा था, जमाने ने अपने माथे की आंखों से ये मंजर मुलाहिदा फरमाया कि हुजूर मुफ्ती आलम हिंद के दस्त शफ़क़त और मोहब्बत से मस्त होते ही वो बच्चा उछल पड़ता है और फौरन अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। लोग उस बच्चे को बुलाते रह गए, पर वो बच्चा ये पैगाम देता हुआ सबको अपने घर चला गया कि मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरें, मोहम्मद के गुलाम अक्सर। अल्लाह मेरे दोस्तों, हुजूर मुफ्ती आलम हिंद की इस जबरदस्त करामत को जब लोगों ने देखा तो एक के बाद दिगरे एक के बाद दूसरे आपके पड़ोस होते चले गए, आपके उम्मीद होते चले गए। ये हुजूर मुफ्ती आलम की जात भी इंशाल्लाह जब कभी वक्त मिलेगा मैं उनका आप तमाम जा दूंगे इंशाल्लाह इस तरह से गुफ्तगू होगी। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खूब की सैर चमन खूब ने शाल है बाग बा जाता हमें गुलशन के आबाद है। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तौबा। इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद ख्वाजा के हिंदुस्तान हैदराबाद से वहाँ एक बहुत ही अच्छा पैगाम आप बात कर रहे थे अल्लाह के होने वाला है और आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करने की दावत दे रहा हूँ। मोहतरम मोहम्मद शाहिद सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी इमाम आजम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का शुक्रिया।
जनाब नूरुल्लाह कारी नूरुल्लाह मुबल्लिग इस्तिदाद इस्लामी शमोदा इनका भी मैं इमाम आजम एजुकेशन एंड चैरिटेबल फंड ट्रस्ट और यूथ विंग तमाम आवाज की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मोहम्मद सरवर रजवी मुबल्लिग इस्तिदाद इस्लामी असी करें इनका भी मैं इमाम आजम एजुकेशन एंड चैरिटेबल फंड ट्रस्ट यूथ विंग और तमाम आवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफिज़ और कारी नाज़िर नूरी हमारे मुदर्रिस आईएसी ट्रस्ट इनका भी मैं तमाम आवाम ट्रस्ट और यूपी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना शौकत अली रज़वी मुदर्रिस पंडित शाह अली मदरसा कटेमा की इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना अब्दुल कलाम मुदर्रिस पंडित शाह अली मदरसा की इनका भी मैं तमाम आवाम और ट्रस्ट यूपी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अराकिन इमाम आजम एजुकेशन एंड फंड चैरिटेबल ट्रस्ट यूथ विंग की जान यूथ विंग का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजरीन मजलिस और खवातीन इस्लाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मदरसे इस्लामिया के तालिबा जो बहुत देर बैठकर नात का कॉम्पिटिशन और बात जो जलसा हुआ इसको समाप्त करवाए इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अराकिन जामिया मस्जिद बाड़े बंदू इनका भी मैं इमाम आजम एजुकेशन एंड चैरिटेबल फंड ट्रस्ट और यूपी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और लाइटिंग का इंतजाम करने वाले सईद अंबर इनका भी मैं इमाम आजम एजुकेशन एंड चैरिटेबल फंड ट्रस्ट यूपी का यूपी की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और समुदाय भवन के अराकिन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने भी इस जलसे में दामे तेरा में हिस्सा लिया इनका भी मैं इमाम आजम एजुकेशन एंड चैरिटेबल फंड ट्रस्ट की जानिब से Oh,
الحمد لله